हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, महत्व तथा इतिहास क्या आप लोग जानते हैं? तो चलिए आज मैं यह बताऊंगा कि हिंदुओं का नववर्ष कब मनाया जाता है। जो अंग्रेज हमारे भारत पर 200 साल राज करने के बाद भी हमारा एक भी त्योहार नहीं मनाते, तो हम उनका त्योहार हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाएं? 400 साल से रोम में 21 मार्च को हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता था, लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को नववर्ष भारतीयों के अनुसार मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियस कैलेंडर की स्थापना कर दी। तब उस समय में पहली बार 1 जनवरी को नववर्ष का उत्सव मनाया गया। उसके बाद ईसाई साम्राज्य ने 1 जनवरी से नववर्ष मनाना शुरू कर दिया। अब फ्रेंड्स, केवल आप लोगों से मेरा यह सवाल है कि क्या आप अपने देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का नववर्ष मनाओगे, या अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को? फैसला अब आपके हाथों में दोस्तों, अपनी संस्कृति को मानते हो या फिर अंग्रेजों की संस्कृति को, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सर्द हवाओं के बीच उदास मौसम में आधी रात के अंधेरे में आसुरी हुल्लड़बाजी के साथ शराब के नशे में धुत होकर अमंगल हुड़दंग करके बिना किसी वैज्ञानिक आधार के केवल इसलिए 1 जनवरी को नया साल मनाना क्योंकि ये हमें गुलाम बनाने वाले माई बाप अंग्रेजों की परंपरा है, तो फिर क्या आप इसे चुनेंगे? या फिर हमारे देश में पवन बसंत ऋतु में पवित्र सूर्योदय की बेला में मांगलिक कृत्यों के साथ भवानी जगदम्बा की आराधना करके पूर्ण वैज्ञानिक आधार लिए चैत्र शुक्ल प्रथमा को नववर्ष का आरंभ उत्सव मनाया जाता है। यह तिथि हमारे अनेक ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक अवसरों का इतिहास समेटे हुए है। तो गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।